जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपको आपकी करी हुई कुछ गलतियों के बारे में बताने आई हूं और साथ में आपको एक वो मैजिकल नंबर देने आई हूं जिससे आपकी जिंदगी पलट जाएगी। जब भी जीवन के अंदर हमें ग्रह परेशान करते हैं, हमारे जीवन के अंदर जब भी परेशानियां आती हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं हम खुद स्वयं होते हैं, पर हम ये छोटी छोटी बातें ना तो समझ पाते हैं ना जान पाते हैं। जैसे कि अगर आपके जीवन में बार बार चीज़ों में रुकावट आ रही है, तो इस चीज़ को ज़रूर देखिए कि आप कहीं अपनी पूजा में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पूजा में किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके देव आपसे रुष्ट हो रहे हैं। क्योंकि जब जब भाग्य अवरोध पैदा करता है, तब तब कहीं ना कहीं हमारी पूजा पाठ या पुण्यों में कमी होती है, तभी ये कार्य हो पाता है। अगर आप अपने घर के अंदर कभी भी आते हैं, चाहे दिन में चाहे शाम को, कई लोगों की नाइट ड्यूटीज़ होती हैं तो वो अर्ली मॉर्निंग भी आते हैं, तो घर के अंदर कभी भी खाली हाथ मत आइए, चाहे कुछ भी लाइए लेकिन लेकर ज़रूर आइए। कई लोगों को मैंने एक और गलती कर रहे हुए देखा है, हाथ में तांबे का कड़ा पहनेंगे और उंगली में शनि की लोहे की अंगूठी पहनेंगे। अगर आपने ये कार्य कर रखा है तो ये भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा देगा। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं जिन्हें हम सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन हमारे जीवन में इनसे कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। मैं ऐसी बातें आपके साथ हमेशा शेयर करने की कोशिश करती हूँ जिससे आपके जीवन में तरक्की हो, आपके ग्रह आपसे प्रसन्न रहें, आपसे चाहकर भी अपने पूजा पाठ में कोई त्रुटि ना हो। लेकिन ये सब बताने वाली मैं कौन हूँ? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। मैं बात कर रही हूँ आपसे आपकी करी हुई उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से आपके जीवन में तकलीफें आती हैं। अगर आप अपने बेडरूम के अंदर रेड कलर का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे कि रेड कलर के पर्दे लगाते हैं, बेडशीट्स लगाते हैं, पायदान लगाते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में या आपकी लव लाइफ में दिक्कतें ज़रूर आती हैं। अगर आप किसी को बार बार बहुत बुरा कहते हैं, तो याद रखिए आपके बोले हुए शब्द कहीं ना कहीं रिपीट होकर आप ही को लगते हैं, तो आपको उसका भुगतान ज़रूर करना पड़ता है। अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन आप अपने जीवन में दान पुण्य बिल्कुल नहीं करते, तो मान के चलिए आपके लव लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम इन्हें अपने जीवन में सही कर कर खुशहाल भी हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं, चीज़ों में सक्सेस पा सकते हैं। एक और गलती बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है, आजकल चूँकि हम मॉडर्न हो चुके हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, तो इसीलिए ना तो हम नदियों पे नहाने जाते हैं, ना ही हम कुओं से पानी खींच कर लाते हैं, और घर के अंदर आरओ लगा होता है उसमें से भी हम डायरेक्ट पानी लेते हैं ग्लास के अंदर और पी जाते हैं। ये गलती अगर आप करते हैं तो इससे आपके घर में पितृ दोष बढ़ता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर वंश दोष, पितृ दोष या कुल दोष होता है, तो इसमें वृद्धि होती जाती है। फिर चाहे आप कितना भी अनुष्ठान कराइए, पूजा कराइए, कितने भी प्रकार के उपाय करिए, ये कभी आपके घर से जाएगा नहीं। इसके लिए आपको अपने घर के अंदर पानी हमेशा मटके या चरे में भरकर रखना चाहिए, उसे रोजाना साफ करके आपको उसमें पुनः साफ पानी भर देना चाहिए। सुबह सवेरे उठकर इस मटके में से एक लोटा पानी लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर इससे धुलाई ज़रूर करनी चाहिए। पितृ दोष कभी भी आपको दिक्कत नहीं देगा, बल्कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में हमेशा बरकत रहेगी। अगर कोई आपसे बात नहीं करता, कोई आपके साथ अच्छा नहीं रहता, आपके बहुत अच्छा व्यवहार करने के बाद भी लोग आपको बुरा भला कहते हैं, तो आपको
सोमवार के दिन शिवजी के मंदिर में जाकर सफ़ेद मिठाई और उसके ऊपर 11 रुपये रखकर वहाँ के पुजारी जी को ज़रूर देकर आना चाहिए। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, खास करके उन बच्चों को जो विदेश जाना चाहते हैं और जा नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें शुक्रवार के दिन अपने हाथों से देवी माँ के मंदिर में जाकर 5 लोगों को मीठा ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर आपका कोई कार्य बन नहीं पा रहा है, बार बार उस चीज़ में विघ्न आ रहा है, या कोई व्यक्ति बार बार आपके बनते कामों के अंदर पैर लगाकर उसे खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको मंगलवार के दिन एक लाल रंग का ध्वज यानी कि झंडा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। छोटे छोटे सरल से उपाय होते हैं, हम अगर जीवन में इन्हें करें तो इससे हमारे जीवन के अंदर बहुत बदलाव आते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आज का वो मैजिकल नंबर जिससे आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, और ये मैजिकल नंबर कैसे यूज़ करना है ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले ये समझिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह या ग्रहों की युति मिलकर आपके जीवन में किसी भी चीज़ को आपको मिलने में दिक्कतें उत्पन्न कर रही हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाइए। अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी कुंडली दिखाइए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ वो मैजिकल नंबर जो आपकी ज़िंदगी को बदल जाएगा। आपको एक कांच की छोटी सी शीशी ले लेनी है, उसके अंदर आपको 5 इलायची डाल देनी है, थोड़ा सा शहद डाल देना है और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कपूर रख देना है। अब इस शीशी को आपको अच्छी से बंद कर देना है। इस शीशी के ऊपर आपको हरे रंग से लिख देना है 5 5 5, और इस शीशी को आपको बुधवार के दिन किसी भी पेड़ के नीचे चुपचाप रखाना है। अपने मन ही मन में आपको 11 बार अपनी मनोकामना बोल लेनी है, जो भी आप अपनी पूर्ति करना चाहते हैं वो। उसके बाद आपको अगले बुधवार से गणेश जी के मंदिर में जाकर 2 इलायची 5 बुधवार तक अर्पित करनी है। ये 5 बुधवार जब तक पूरे होंगे ना, तब तक आपकी बोली हुई मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। ज़रूर करिए छोटा सा उपाय, जीवन में इससे बदलाव आए तो हमें ज़रूर बताइए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।